हेलो व्यूअर्स आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है टॉप एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आंसर आपका जो रनिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसके लिए सो so, हमारे जो फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन क्या है द सार्स रेजिस्टेंस ऑफ द केबिलेज ऑप्शन ए में क्या है

केबल आर जनरली यूज अप टू मतलब जो एच टी केबिल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं हाई टेंशन केबिल तो उसका रेंज क्या होगा ऑप्शन ए थर्टी थ्री के भी ऑप्शन बी थर्टी वन एलेवन के भी ऑप्शन बी थर्टी थ्री के भी ऑप्शन सी सिक्सटी सिक्स के भी ऑप्शन डी वन थर्टी टू के भी मतलब एच टी जो केबिल है उसका रेंज क्या रहेगा उसका रेंज रहेगा एलेवन के भी तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर होगा सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है द इंसुलेटिंग मटेरियल फॉर ए केबिल शुड हैव मतलब जो इंसुलेटिंग मटेरियल है आपका जो केबिल का उसको ओ क्या है ऑप्शन ए क्या है लो कॉस्ट ऑप्शन बी हाई डायइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑप्शन सी हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एभव मतलब हम लोगों को जो इंसुलेटिंग मटेरियल जो यूज करना है उसमें लो कॉस्ट भी होगा डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी हाई रहेगा मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी हाई रहेगा तो वहाँ पे ऑप्शन जो होगा ऑप्शन क्या होगा डी ऑल ऑफ द एभव ए क्या होगा आपके लिए राइट आंसर होगा तो अभी तक तो हमारा जो चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए बेलाइकोन प्रेस कीजिए और जो वीडियो है आपको फ्रेंड भी शेयर कीजिए आपके पास कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर आपका कमेंट कीजिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन uh, तो हम लोगों को जो केबिल है वो हम लोगों को जो मैकेनिकल इंजरी। है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन क्या रहेगा आर तो ऑप्शन जो सी है वो क्या होगा आपके लिए राइट right आंसर होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है व्च ऑफ द फॉलोइंग इंसुलेशन इज़ यूज फॉर द केबिल आपका जो केबिल है केबिल में हम लोगों को कौन सा इंसुलेशन हम लोगों को यूज करना है ऑप्शन ए क्या है हार्निस्ड कैम्ब्रिक्स ऑप्शन बी क्या है रबर ऑप्शन सी पेपर ऑप्शन डी नॉन ऑफ द एब तो केबिल में हम लोगों को जो फास्ट जो थ्री इंसुलेशन जो टाइप्स है वो जो लिखा है वो हम लोग यूज कर सकते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन जो डी है एनी ऑफ द एबोब वो क्या होगा आपके लिए राइट आंसर होगा तो अभी तक हमारे जो चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए और आप ये जो वीडियो है आपको फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इम्पेयर टेफ इज ऑप्शन ए क्या है भार्निस्म्ब्रिक्स ऑप्शन बी क्या है बॉल्कनाइज रबर ऑप्शन सी क्या है इम्प्रिंटेड पेपर ऑप्शन डी क्या है नॉन ऑफ द तो मतलब इम्पेयर जो टेप है वो क्या होगा आपका भार्निक्स कैम्ब्रिक होगा तो ऑप्शन ए क्या है ऑप्शन ए आपके लिए राइट आंसर होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है द थिकनेस ऑफ द लेयर ऑफ इंसुलेटिंग

जो चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए आपका फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए कुछ डाउट होगा तो आप चैनल कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट कीजिए हम लोग आंसर वो कर देंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है द इंसुलेटिंग मटेरियल फॉर द केबिल्स शुड मतलब ऑप्शन ए क्या है बी एसिटिक प्रूफ ऑप्शन बी नॉन इनफ्लेमेबल ऑप्शन सी क्या है नॉन हाइग्रोस्कोपिक ऑप्शन डी क्या है ऑल ऑफ द प्रॉपर्टी मतलब तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है एसिडिक है नॉन इन्फ्लुएबल है वहाँ पे नॉन हाइड्रोस्कोपी है तो यहाँ जो प्रॉपर्टी है ये क्या रहेगा आपका जो इंसुलेटिंग मटेरियल और इंसुलेटिंग जो केबल रहेगा उसमें रहेगा तो यहाँ पे ऑप्शन डो जो ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर होगा हैव ऑल द प्रॉपर्टीज यहाँ पे ऑप्शन डी क्या होगा आपके लिए राइट आंसर होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लेके हम लोग को डिस्कस करना है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है द ब्रीदिंग ऑफ द केबल मतलब जब द ब्रीदिंग ऑफ द केबल कंसिस्ट ऑफ यहाँ पे ऑप्शन क्या है हैसन क्लॉक ऑप्शन बी जूट ऑप्शन सी एनी ऑफ द एब ऑप्शन डी नान तो मतलब आपका जो ब्रीडिंग है ब्रीडिंग ऑफ द केबिल वो क्या के होगा आपका Uh, जो हेसन क्लोथ भी हो सकती है जूट भी हो सकती है तो इसमें ऑप्शन सी जो है एनी ऑफ द क्या होगा आपके लिए राइट आंसर होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द राबर इज अराउंड मतलब रबर का जो डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है उसका वैल्यू क्या है ऑप्शन ए फाइव किलो वोल्ट ऑप्शन ऑप्शन बी क्या है फिफ्टीन किलो वोल्ट पर रहे मैम ऑप्शन सी थर्टी किलो वोल्ट पर रहे मैम ऑप्शन डी क्या है टू हंड्रेड किलो वोल्ट पर रहे मैम तो यहाँ पे रबर का जो डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है उसका जो वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा थर्टी के भी बारे में तो ऑप्शन सी जो है वो क्या होगा आपके लिए राइट right आंसर होगा सो यहाँ पे ऑप्शन सी क्या होगा राइट uh, आंसर right होगा तो हम लोग अभी टेन एम टाइप क्वेश्चन आंसर ऑफ द केबल केबल के बारे में हम लोग टेन एम क्वेश्चन आंसर हम लोग डिस्कस किया तो उसके बाद हम लोग और भी क्वेश्चन आंसर हम लोग डिस्कस करेंगे तो हमारा जो चैनल हो वो सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन भी प्रेस कीजिए जो वीडियो है ये भी आपका फ्रेंड भी शेयर कीजिए तो हम लोग को जब वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो